हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल एंड यू आर वाचिंग रॉयल स्लायर्स 360। तो फाइनली दोस्तों, काफी टाइम बाद जिस तरह का मंडे नाइट रो हम लोग देखना चाहते थे वो हमें आज देखने को मिला है। ब्लड लाइन मंडे नाइट रो में मौजूद थी। बीस्ट ब्रोक लेसनर का रिटर्न हो चुका है। डी जनरेशन एक्स का बड़ा सेलिब्रेशन सेगमेंट मंडे नाइट रो में हुआ है। तो जल्दी से, अगर आप लोगों ने मंडे नाइट रो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो। अगर देख लिया है तो कमेंट करके अपनी एक्साइटमेंट, अपना रिएक्शन, अपने थॉट्स सब कुछ कमेंट करके बता दो। अगर कमेंट करना नहीं आता तो कोई बात नहीं। फाइनली बात करते हैं कुछ मसालेदार अपडेट्स के बारे में जो कि मंडे नाइट रो के बाद निकल कर आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं डी जनरेशन एक्स की। तो आज मंडे नाइट रो के मेन इवेंट में डी जनरेशन एक्स का सेगमेंट होता है, जहां पर वो अपनी 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। और दोस्तों, फिर मंडे नाइट रो का एपिसोड एंड हो जाता है, ऑफ एयर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद वहां पर ऑडियंस में बैठे एक फैन ने वीडियो पोस्ट कर दी ट्विटर पर, जहां पर ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल मंडे नाइट रो के ऑफ एयर होने के बाद एक दूसरे के गले लगे हैं। और एक तरह से दोस्तों, यहां पर ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल ने गले लगकर इमोशनल मोमेंट शेयर करा है और साबित कर दिया कि वो रियल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड है। वैसे आप लोग इसके ऊपर कुछ कहना चाहो तो कॉमेंट कर सकते हो। बाकी बात करें अगली अपडेट की, तो बीस्ट ब्रोक लेसनर ने अपना शॉकिंग रिटर्न करके ऑल माइटी बॉबी लेसली पर बुरी तरह से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से बॉबी लेसली सेथ रोलिंस के अगेंस्ट अपना यूएस टाइटल हार चुके हैं। और दोस्तों, इमीडिएटली बॉबी लेसली ब्रोक लेसनर को कॉल आउट करते हैं और नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रो में फेस टू फेस होने के लिए चैलेंज करते हैं। एंड शायद अब नेक्स्ट वीक बीस्ट ब्रोक लेसनर एंड ऑल माइटी बॉबी लेसली हमें फेस टू फेस होते हुए दिखाई देंगे। एंड दोस्तों, यहां पर स्टोरी पूरी तरह से क्लियर है, सब कुछ साफ है कि WWE अपने वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा स्टार ब्रोक लेसनर को किसी मिडिल कार्ड चैंपियनशिप के लिए बुक नहीं करने वाली थी, और इसीलिए फुल प्लानिंग के साथ मंडे नाइट रो में ब्रोक लेसनर ने बॉबी लेसली पर अटैक करा है ताकि बॉबी लेसली अपना यूएस टाइटल भी हार जाए और उनकी रेपुटेशन पर कोई फर्क ना पड़े। और अब क्राउन जेवल इवेंट में ब्रोक लेसनर वर्सेस बॉबी लेसली का मेगा मैच हमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रोक लेसनर इस टाइम हील सुपरस्टार बनकर वापस आए हैं, तो उनका तगड़ा डिस्ट्रैक्शन हमें WWE में देखने को मिलेगा, जिसकी एक झलक आज मंडे नाइट रो में आप लोगों ने देख ली होगी। बाकी आप लोग ब्रोक लेसनर एंड बॉबी लेसली के मैच को लेकर थोड़ा बहुत भी एक्साइटेड हो तो जल्दी से कमेंट करके अपने थॉट्स, अपनी प्रेडिक्शन करो कि क्राउन जेवल इवेंट में ब्रोक लेसनर एंड बॉबी लेसली के मैच में कौन जीतेगा। इसी के साथ दोस्तों, ब्रोक लेसनर के अटैक का सेथ रोलिंस ने पूरा फायदा उठा लिया। दरअसल दोस्तों, ब्रोक लेसनर के अटैक के बाद बॉबी लेसली को मेडिकल स्टाफ बैक स्टेज की तरफ ले जा रहा था और इतने में सेथ रोलिंस आकर बॉबी लेसली को मैच रसल करने के लिए उकसाते हैं और लेसली यहां पर तैयार हो जाते हैं और फिर आसानी से लेसली को सेथ रोलिंस बीट करके यूएस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लेते हैं। और यहां पर करीब 1000 दिनों के बाद सेथ रोलिंस ने किसी टाइटल को अपने नाम करा है, जो कि एक तरह से रिकॉर्ड है। और इसी के साथ सेथ रोलिंस बन चुके हैं सेकंड टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन इन WWE। वैसे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके सेथ रोलिंस का फर्स्ट यूएस टाइटल के लिए अपोनेंट सजेस्ट कर सकते हो कि सेथ रोलिंस को अपना टाइटल किसके अगेंस्ट डिफेंड करना चाहिए। बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो आज मंडे नाइट रो के एपिसोड में द फीड ब्रे वाइट की कमबैक वीडियो दिखाई गई। इसी के साथ स्टिल कुछ और QR कोड्स यहां पर देखने को मिले हैं, लेकिन ब्रे वाइट ने मंडे नाइट रो में अपना रिटर्न नहीं करा, बल्कि WWE ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ब्रे वाइट आने वाले हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रे वाइट के लिए प्लान्स हैं कि WWE उनके साथ एक बड़ी स्टेबल बनाना चाहती है और बू डालस एंड लीव मॉर्गन का नाम ऑलरेडी सामने आ चुका है जो उस स्टेबल के मेंबर होंगे। वैसे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ब्रे वाइट क्या कुछ
करने वाले हैं। बात करते हैं फाइनल अपडेट की, तो द रॉक ने अपनी अपकमिंग मूवी ब्लैक एडम के चलते इंटरव्यू दिया, जहां पर द रॉक से पूछा गया कि क्या वो WWE को देखते हैं, तो रॉक ने बताया कि वो हमेशा रेसलिंग से जुड़े रहते हैं, जिसके बाद रॉक से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने रोमन रेंग्स को अक्नोलेज किया है। तब द रॉक ने हंसकर जवाब दिया और कहा कि रोमन रेंग्स एंड द उसोज उनकी फैमिली है, और फिलहाल जिस तरह से WWE में बदलाव हुए हैं उसके बाद भी रोमन रेंग्स एंड द उसोज ने काफी अच्छा काम किया है, और यहां पर द रॉक ने उनके काम की तारीफ की है। हालांकि द रॉक ने रोमन रेंग्स के साथ किसी तरह के मैच को टीज नहीं करा, बट एटलीस्ट द रॉक ने रोमन रेंग्स को अक्नोलेज कर दिया। तो आप लोग इसके ऊपर कुछ कहना चाहो तो कमेंट कर सकते हो। तो बस यही थी अपडेट की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, इसी के साथ कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आपको यहां पर रेसलिंग से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती है हिंदी में, तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन पर प्रेस कर लो। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।